सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का रिंग लाइट कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये वाला जो फोटो एडिटिंग है ये थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि ये वाला जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्टेप्स है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन अगर आप परफेक्टली सेम टू सेम करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, ठीक है? और स्टेप्स अभी याद रख लेना जो भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को भी दबा देना, और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक भी कर देना, ठीक है? और कमेंट में बता देना कि आप ये वाला फोटो एडिटिंग को 100 में से कितना रेटिंग्स देना चाहते हो, ठीक है? कमेंट में लिख देना ताकि मैं भी जान सकूं। और तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, और रिसाइज पर जाके अपने फोटो को रिसाइज कर लेना है, ठीक है? इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है ड्रॉ टूल के ऊपर, और ड्रॉ टूल के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे अपना जो फोटो है उसको ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके फोटो भेजाता हूँ, और हमने जो फोटो खिंचाया होगा उसको ऐड कर लेना है, ठीक है? तो ये वाला जो फोटो है मैंने इसको ऑलरेडी कटआउट कर लिया था। अगर आपको कटआउट करना नहीं आता है परफेक्टली तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, और ये मैंने कर लिया, ठीक है? इसके बाद साइड में यहाँ पे कौन सा भी क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कर देना है ट्रांसफॉर्म। और इसको मैं इस तरह फ्लिप कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप कैसे भी जूम और छोटा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? अच्छे से मतलब एडजस्ट होने के लिए। तो मैं इस तरह से करके यहाँ पे डन कर देता हूँ। और थंबनेल में आपने देखा होगा कि जो साइड में ब्लू कलर का लाइटिंग आ रहा था वो अप्लाई करने के लिए हमें एक सॉफ्ट लाइट पीएनजी बनाना है, ठीक है? तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्पीड फटाफट से कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैंने यहाँ पे उसको सेव कर लिया जो मैंने सॉफ्ट लाइट पीएनजी बनाया था, और ये हो चुका है। और ये वाला जो वीडियो है कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैं सारा सब कुछ स्पीड कर रहा हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर पहले बना लेना है, और एम्प्टी लेयर बनाने के बाद यहाँ पे जो ब्रश पे जाना है, साइज ओपेसिटी को फुल करके हार्डनेस को कम कर देना है, और कुछ इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करना है, और यहाँ पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कर लेना है ट्रांसफॉर्म। और इसको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है अच्छे से जितना हो सके, और इसका जो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे देख सकते हो कि लाइन के जैसा है और वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो ये मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया। इसके बाद इसका जो ओपेसिटी है मैं सिर्फ 2% कम कर देता हूँ, और ये हमारा सही है। मैं यहाँ पे इसे डन कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर लेता हूँ डिस्कार्ड, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे फिर से जाना है ड्रॉ टूल के ऊपर, और ड्रॉ टूल के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो कलर है हमें यहाँ पे इस बार वाइट सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वाइट सिलेक्ट कर लिया हूँ, और ब्रश पे जाना है, सेम सेटिंग होगा आपके ऑलरेडी, और कुछ इस तरह से ऐसा एक ड्रॉ कर लेना है ताकि जो रिंग लाइट है वो थोड़ा शाइन मारे, ठीक है? तो मैंने ड्रॉ कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, थ्री डॉट पे क्लिक करके कर लूँगा ट्रांसफॉर्म, और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ रिंग लाइट के पास, और ये यहाँ पे कर लेता हूँ डन। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कर लेना है ऐड के ऊपर, मतलब कर लेना है इफेक्ट, और जो इसका ओपेसिटी है इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, लगभग मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 30 या फिर 22, ठीक है? 22 रख लिया हूँ, देख सकते हो जो रिंग लाइट है वो मतलब जल रहा है जैसे लग रहा है, लेकिन इसका यहाँ पे फेस के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं गिर रहा है, ठीक है? मतलब लाइट नहीं गिर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपना ब्रश है सेम सेटिंग होगा, बस ऐसा एक ड्रॉ कर देना है। लेकिन इससे पहले एक एम्प्टी लेयर बना लो, पहले मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, और मैंने एम्प्टी लेयर बना लिया, और इस तरह से ड्रॉ करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म, और कुछ इस तरह से जूम करके अपना जो हाफ फेस है ओनली हाफ फेस के ऊपर इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेना है, ठीक है? पहले आप मतलब पोज इस तरह से दे तो हो जाएगा, सही है? और इसके बाद मैं यहाँ पे एरेस के ऊपर जाऊँगा, और जो भी पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट उसको एरेस कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एरेस कर लिया, इसके बाद ओपेसिटी को इतना रख के यहाँ पे कर लेता हूँ ओवरले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब जो रिफ्लेक्शन है अपने फेस के ऊपर गिर रहा है, तो बिल्कुल फेक नहीं लगा रहा हमारा फोटो, ठीक है? बिल्कुल फेक नहीं लगेगा अगर इस तरह से आप सेम टू सेम स्टेप्स कंटिन्यू करते जाओगे। तो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपना स्मोक है अपने बॉडी के ऊपर गिरना चाहिए, ठीक है? जिससे और अच्छा लुक आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड फोटो के ऊपर, और ऐड फोटो के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो एक स्मोक का इमेज है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, और ये मैंने ऐड कर लिया। और ऐड करने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको रख लेना है स्क्रीन, और स्क्रीन रखने के बाद इसको जो पीछे वाला जो स्मोक है उसके साथ मैच कर देना है, ठीक है? कुछ इस तरह से, और ये मैं अच्छे से एडजस्ट कर लिया हूँ, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे डन। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इरेज करना भूल गया हूँ, मैं फिर से कर लेता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो लाइन जैसा आ रहा था उसको मैंने यहाँ पे इरेज कर लिया है, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपना नीचे वाला यहाँ पे देख सकते हो वो ग्लो हमने जो सॉफ्ट लाइट पीएनजी सेव करा था उसको ऐड करेंगे। तो इसके लिए ऐड फोटो के ऊपर जाएंगे, और हमारा जो ये वाला सॉफ्ट लाइट पीएनजी इसको ऐड करेंगे, और कुछ इस तरह से ऐसे जूम कर लेना है, मतलब फुल स्क्रीन कर देना है,
और इसके बाद जाना है एरेस के ऊपर, और एरेस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अपने जो फोटो है उसको कर लेना है इन्वर्ट। तो ये मैंने कर लिया, और इसके बाद आपको यहाँ पे जूम कर लेना है जहाँ यहाँ पे शाइन मारना है, और इसके बाद रिस्टोर पे क्लिक करके ओपेसिटी 100 पे और हार्डनेस को 50 के आसपास और साइज़ को अपने फोटो के हिसाब से, ठीक है। और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप चाहे तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो 20 मिनट का हो गया था, ठीक है, पहले वाला। तो अभी यहाँ पे एक और फ़ायदा क्या होता है इसका, जो आपका जो बाहर इस तरह से नहीं जाएगा, ठीक है, आपके बॉडी के ऊपर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे अच्छे से कर लेता हूँ, इसके अंदर बताऊँगा कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये हो गया, यहाँ पे कर लेता हूँ डन। इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है ब्लेंडिंग मोड पे, और ब्लेंडिंग मोड पे जाने के बाद यहाँ पे इसको कर देना है ऐड, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है उस पर जाना है, और इसका जो ओपेसिटी है इसको रख लेता हूँ मैं 66, ठीक है, ये परफेक्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी यहाँ पे करना था सारा हो गया है, और एक काम हमारा बाकी है, ठीक है। तो इसके लिए हम ड्रॉ टूल के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से रखेंगे ब्लू कलर, और अगर आप जो स्पेट्स पहने हो गए तो आपको यहाँ पे जो कलर है ब्लू सिलेक्ट करके अपने स्पेट्स के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। नहीं पहने हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं लेकिन यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है, क्योंकि अच्छा लगेगा, मतलब बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल ब्लू कलर का मैच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, इसके बाद जो हमारा पिक्सेल एप्लीकेशन में लास्ट जो स्टेप है वो हम करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे क्लिक करके इसका ओपेसिटी मेरे को ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको 80 रख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ डन। तो ये हमारा सारा हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अपने फेस के ऊपर डॉजन बन करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ, और जो टेम्परेचर है उसको माइनस के साइड रख लेता हूँ इतना, ठीक है। और इसके बाद एरेस पे जाऊँगा, यहाँ पे कर लूँगा इन्वर्ट, और इसके बाद यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करूँगा, और इसके बाद यहाँ पे जो ओपेसिटी है इसको रख लेता हूँ 50 के आसपास, और हार्डनेस को यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 0 पे, और साइज़ को इतना, और कुछ इस तरह से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है, फेस और कपड़ा, मतलब हर जगह अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा आपको इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो हमें क्या करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जहाँ पे भी शाइन इफेक्ट लगाना था लगा लिया, और इसके बाद आप यहाँ पे ब्राइटनेस पे जाके अपना जो अमाउंट देख सकते हो कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 14 रख लेता हूँ, और ये हो गया, यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसके बाद हम यहाँ पे जो अपना फोटो है कुछ इस तरह से रिटचिंग करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ टूल पे जाके लाइटरूम एप्लीकेशन में सेव कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, फिर हम लाइटरूम एप्लीकेशन में फोटो को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर लाइटरूम एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे क्लिक करके अपना जो फोटो है जो हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में एडिट किया था उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ऐड। तो ये यहाँ पे, इसके बाद हमें यहाँ पे जाऊँगा ऑल फोटोज़ के ऊपर, और यहाँ पे बता रहा है कि फ़ोटो सक्सेसफुली इम्पोर्टेड, और यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो भी करूँगा बिल्कुल मतलब सेम टू सेम आपको करना है अपने फ़ोटो में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये वाला आइकॉन है इस पे ऊपर सबसे पहले क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है मिक्स टूल के ऊपर, और इसके बाद हम यहाँ पर जो ब्लू टोन है इसके ऊपर जाएंगे, इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे जो ह्यू है माइनस के साइड रखेंगे, तो देख सकते हो अलग ही चमक आ रहा है फोटो में। और इसके बाद ल्यूमिनेंस को मैं बढ़ाऊँगा इतना इतना रख लेता हूँ, और इसके बाद मैं ये वाले सीएन वाले कलर के ऊपर जाऊँगा, और इसका सीएन का जो सैचुरेशन है थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज़्यादा रखूँगा, मतलब इतना रखूँगा, ठीक है। इसके बाद ऑरेंज टोन के ऊपर जाऊँगा, ऑरेंज को सैचुरेशन को माइनस पे रखूँगा, और यहाँ से इसका जो ल्यूमिनेंस है इसको इंक्रीज कर दूँगा 10 या फिर मैं इतना रख लेता हूँ, इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रेड टोन के ऊपर जाऊँगा, रेड टोन का थोड़ा सा मैं यहाँ पे -56 पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे कर लेता हूँ डन। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो रिंग लाइट है थोड़ा सा ग्रीन कलर दिख रहा है, तो जो ग्रीन कलर है उसका भी मैं यहाँ पे सैचुरेशन कम कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे कम्प्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे या ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, फोटो के एक्सपोजर को इतना रखेंगे इतना, और यहाँ पे कॉन्स्ट्रैक्ट को -9 पे, हाईलाइट्स को रखूँगा मैं यहाँ पे माइनस पे, शैडो को यहाँ पे रख लेता हूँ 7, और वाइट को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे लगभग इतना, और यहाँ पे ब्लैक को भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। इसके बाद कर्व वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, और यहाँ से थोड़ा सा आपको मिडिल से ऊपर की तरफ इस तरह से खींच देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डन। तो ये हो गया। इसके बाद इसके नीचे वाले टूल के ऊपर जाएंगे, क्लैरिटी को बढ़ाएंगे फोटो के, और यहाँ पे जो डेंस है मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इतना, और विग्निटी तो थोड़ा सा कम करेंगे, और यहाँ पे फेदर्स को इंक्रीज करेंगे, और मिड पॉइंट को मैं यहाँ पे रखूँगा बीच में, ठीक है, 25, और यहाँ पे ग्रेन अमाउंट को ऐड करूँगा। और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे वाले टूल के ऊपर जाएंगे, शार्पनेस को बढ़ाएंगे, और नॉइस रिडक्शन, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर नॉइस रिडक्शन बढ़ा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नॉइस लग रहा है मेरे को,
और ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ वाले टूल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे स्प्लिट टोन के ऊपर जाएंगे, और स्प्लिट टोन के ऊपर जाने के यहाँ पे जो शेडो है, इस शेडो को हमें यहाँ पे इस तरह से जो सीएन और ब्लू है उसके बीच में इस तरह से रख देना है, ठीक है। और 23 सैचुरेशन रखना है, और जो यहाँ पे बैलेंस है इसको मैं यहाँ पे प्लस के साइड रखता हूँ 61। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे कर लेता हूँ डन। और यहाँ पे हमारा शायद सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बिफोर वाला फोटो है, ये पिक्सार्ट एप्लीकेशन में हमने जो मैनिपुलेशन किया था, और लाइटरूम एप्लीकेशन में रिटचिंग करने के बाद हमारा जो फोटो है इस तरह से मतलब अलग ही एकदम कमाल का हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको रोज़ मिलते रहेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इस वाले फोटो में टैग कर देना, ठीक है, जो भी आप फोटो एडिट करोगे ये वाला वीडियो देखने के बाद। तो मिलते हैं फिर अभी अगली वीडियो पर।